ਤੇ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ BSF ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਜਵਾਨਾਂ ਸਮੇਤ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਖੂਨਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ BSF ਦੀ 73 ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੇ CO ਰਾਣਾ ਬ੍ਰਿਜੇਸ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੂਨਦਾਨ ਮਹਾਦਾਨ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਖੂਨਦਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਮਹਿਲਾ ਜਵਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਖੂਨਦਾਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है हमारी वाहिनी 73 वाहिनी सीमा सुरक्षा बल के द्वारा सिविल हॉस्पिटल अजनाला के सहयोग से ये रक्तदान का आयोजन किया गया है, जिसमें मेरी वाहिनी के और हमारे साथ को लोकेटेड 32 वाहिनी के 50 से ज़्यादा कर्मी अपने रक्त का दान कर रहे हैं। रक्तदान महादान ये सिविल हॉस्पिटल अजनाला को डोनेट किया जाएगा, जो भी ब्लड डोनेशन हो रहा है, जो आम जनता और पंजाब के लोगों के स्वास्थ्य के लिए उपयोग होगा इस रक्तदान का। सर, हम लोगों को संदेश देना चाह रहे हैं कि सीमा सुरक्षा बल देश की प्रथम रक्षा पंक्ति है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है देश का। हम देश की सुरक्षा उतनी मुस्तैदी से करते हैं, साथ में जो सामाजिक दायित्व है हमारा, उसका भी निर्वहन हम बखूबी करते हैं, और इसी कड़ी में हमने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। महिला कांस्टेबल अलका रानी हूँ मैं। यहाँ हमारे यहाँ BSF का ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है। हम चाहते हैं कि ये ब्लड डोनेट करके हम भी देश की सेवा में थोड़ा अपना हिस्सा पाएं। ये ब्लड सिविल हॉस्पिटल के लिए जाएगा और हम चाहते हैं कि हमारे इस ब्लड से किसी की हेल्प हो जाए, क्योंकि हमारा मोटिव है।